तो राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। तो इस वक्त सुबह के 8 बज गए हैं और हम अभी को ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं अपने खेत में और आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी चावल। आज हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद मौसम थोड़ा सा सही हुआ, हालांकि अभी जस्ट धूप निकला है, लेकिन सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था। सुबह हल्की फुल्की आंधी भी आई थी और बदरी भी है, थोड़ा अच्छा मौसम लग रहा है, तो आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो हम आ गए हैं खेत में और यहाँ से लेने वाले हैं, देखिए, करी पत्ता। तो ये हम करी पत्ता यहाँ लगाए थे। और देखिए हमारे नींबू का पेड़, इसमें नींबू बहुत सारे फरे हैं, लेकिन अभी नींबू तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें फूल भी लग रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है नींबू। तो बहुत सारे नींबू वहाँ ऊपर है, मैं उसको पा नहीं पा रही हूँ। तो अभी ले चलते हैं करी पत्ता और बनाते हैं फटाफट से करी और चावल। तो लेते हैं भैया करी पत्ता और कढ़ी चावल आज हम बनाने वाले हैं खाने में। ये हो गया करी पत्ता, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आग जला लेते हैं, और गांव आए हैं तो सोच रहे हैं जब भी रहे तब हम लोग चूल्हे का खाना खाएं। वैसे तो जाएंगे वहाँ तो हमेशा गैस का ही खाना है, तो चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले पकौड़ी बना लेते हैं। उसके लिए देखिए हमने प्याज काट लिए हैं और हरा मिर्च वगैरह सब काट लिए हैं। बेसन घर का ही बना है। आप देखते हैं कि मैं चने की दाल हमेशा तैयार करती हूँ, तो वही दाल जो है हम पिसवा के बेसन तैयार किए हैं। तो सब कुछ घर का ही है। तो पहले आग जला ले, इसमें तेल डाल दे, गर्म होता रहे, फिर इसको हम फेटेंगे। तो चलिए पहले पकौड़ी बनाते हैं। तो ये प्याज में हम डाल दिए अजवाइन, अनुसार नमक। तो बढ़िया से अजवाइन और नमक को ना मसल मसल के प्याज में मिक्स कर लेंगे। नमक डाल के ना प्याज को बढ़िया से मसल देंगे ना, तो इसके एक एक ये जो लच्छे हैं ये अलग हो जाएंगे और प्याज भी ना थोड़ा मुलायम हो जाएगा। ये पानी छोड़ने लगेगा तो ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा। डालेंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार के को हम मिला लेंगे। तो तेल हो गया देखिए गरम, अब इसमें हम निकालेंगे पकौड़ियाँ। तो ये हमने कुरकुरी पकौड़ियाँ निकाल लिए हैं। ये ढेर सारी पकौड़ियाँ हम बना रहे हैं सबके खाने के लिए। तो बाकी सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिना बन रहा है खाना, तो उसको पकौड़ी मिलने वाला है, इसीलिए देखिए लोग आधे मन से पढ़ भी रहे हैं। लो भैया, गांव का यह मजा है। बस तो दोस्तों देखिए पकौड़ी हमने सब बना लिए हैं और इसमें बेसन घोल लिए हैं। तो फटाफट से करी बनाते हैं। तो सबसे पहले तेल में देखे डालेंगे ही मेथी दाना, ये है मेथी दाना, और ये गया
के बाद गया तब इसमें हम डाल देंगे मसाला, तो नॉर्मल मसाला वही हल्दी धनिया गरम मसाला मसाले को भून लेते हैं। तो मसाला देखिए भून गया है, तो जो बेसन देखिए हम घोल कर रखे हैं तो बढ़िया था, उसे चला लेंगे नहीं तो तली में बेसन बैठे रह जाएगा। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में, इसमें और पानी डालेंगे कि बेसन जो है ना बढ़िया से पके। तो चलाते रहेंगे बराबर और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, देंगे स्वाद के अनुसार नमक और बराबर चलाते रहेंगे हमारी कढ़ी बढ़िया से पक जाए। चलिए चलाएंगे बराबर, तो लीजिए भैया हमारी कढ़ी बनके तैयार है। इसको हम निकालेंगे बैगुना में ऊपर से। तो लीजिए हमारी पकौड़ा कढ़ी बनके तैयार है, साथ में चावल और रोटी हम बनाए हैं। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और हम चल रहे हैं खेत में। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, धूप इतना तगड़ा तगड़ा निकल रहा है कि कहाँ बताएं, दिन भर कोनो काम ही नहीं हो पा रहा है। जब धूप निकल जा रहा है ना तो कोनो काम नहीं हो पा रहा है। अभी तो शाम हुआ है, थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है, तो हम आ गए हैं खेत में। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे खेत में मक्का बोया हुआ है, हालांकि ये मक्का अधिया पर बोया हुआ है, पैसा हम दिए थे मक्का लगाने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है खेत मक्के का देख कर। तो देखिए ये है हमारे खेत में मक्का, इसमें देखिए मक्के में बालियाँ अब निकल रही हैं, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और सामने खेत में मूंग है, हम लोग जब यहाँ पे रहते थे तो इस वक्त हम लोग भी मक्का लगा देते थे, यहाँ मचान लगाते थे बैठ के जो है इस पर चिड़िया उड़ाने के लिए, कितना बढ़िया लगता था ना। वो सारे वीडियोस मेरे पास अभी हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ अभी हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे खेती करना बहुत पसंद है, मुझे अपनी ये फसल लगानी, जब ये तैयार होते हैं तो इनको देख के मुझे एक अलग सुकून मिलता है। लेकिन अब क्या करें यार, कुछ तो मजबूरी है, थोड़े बच्चे पढ़ लें 2-4 साल, सोच रहे हैं उनको समय दे दें उसके बाद फिर आएँ, तो फिर से नए सिरे से अपनी खेती बाड़ी हम फिर से शुरू कर दें। ये मक्का तो लगाए दूसरे कोई है, देख के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो जो सुकून है ना, जो खुद के करने का जो सुकून है ना, वो नहीं मिल रहा है। हालांकि देख के बड़ी अच्छा लग रहा है, भाई कोई मेहनत किया है तो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन हम मेहनत करके इसको इस तरह से उगाए होते तो एक अलग खुशी होती। तो चलिए इसमें से आधा मिलेगा, आधा जो मेहनत किए हैं उनको मिलेगा। एक मित्र कह रही थी एक बार, बड़ा ताना कस रहे थे यार कि तुम लोग तो गजब हो, तुम्हारे खेत है तो मेहनत कोई और करे, फसल तुम लोग खाओ तो बता दे भैया, ऐसे ही कोई मेहनत नहीं करता है, आप किसी के भी प्लाट में ऐसे ही मेहनत नहीं कर लीजिएगा। वो कभी वो भी मेहनत करके वो ज़मीनें खरीदी होंगी, वो प्रॉपर्टी बनाई होंगी, और यहाँ पे हम लोग खाद का पैसा देते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी होता है, कोई समस्याएं होती है तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। यहाँ तो बीज खाद सबका हम यहाँ पे दे दिए हैं कि भैया मक्का लगा दीजिए, हम लोग भी सबके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बस खाली हमारी खेत है तो हम ही लोग फसल काटते हैं, खुद भी करके देखो। नहीं इतना ही अगर तुमको मया है, तुम्हारे पास घर प्रॉपर्टी है तो किसी को ऐसा ही दे दो कुछ दिन रहने के लिए, फिर देखो तुमको समझ में आएगा। तो दूसरे के लिए कहना बहुत आसान है और खुद के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से पहले सोचा समझा करो कि किस तरीके से अधिया बनिया खेती होता है, कैसे लोग करते हैं, उसके बाद किसी को इस तरह से तंज कसा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो बढ़िया है फसल, इसमें से पता नहीं, हमारे घर में तो मक्का सब बहुत कम पसंद करते हैं, कितना हम लोग खाएंगे, खाएंगे नहीं जो लगाए हैं भैया, खाएंगे खुश रहेंगे मस्त रहेंगे सब। तो हम आ गए हैं इधर खेत में, इधर देखिए आ गई हैं ढेर सारी बकरियाँ और अनु पकड़ रही है बकरी, ले आओ ले आओ लाओ इधर लाओ, अनु बकरी चलाएगी, बकरी चलाओगी, इसको दिखा मैं, देखो तू देखो देखो मैं कैसे बोलिए मैं, है ना आयुषी, है लाओ फोटो खींचे, चलो फोटो खींचे। तो दोस्तों देखिए एक बकरी हम भी पकड़ लिए हैं, अब बकरी के साथ हम लोग खिंचाएंगे फोटो, देखे इसको कितना बढ़िया लग रहा है, बैठिए बाबू तुम बैठे रहो, जाना मत, आयुषी भी आ गई है, आयशा भी आ गई है, सब आ गए, अनु के सारे दोस्त आ गए हैं।
कौन अमित भी आ गया है। जाने दो जाने दो जाने दो, किसका मन कर। अरे नाच जाए, इसका मना नहीं है।